नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज एनएसयूआई के तत्वाधान में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें छात्र छात्राओं को हो रही समस्या जैसे आवागमन की समस्या, पेयजल की समस्या, स्टाफ की समस्या और छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर तहसीलदार महोदय और शासकीय महाविद्यालय चांद में कुलपति महोदय के नाम प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। विशाल धरना प्रदर्शन और रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक युवक कांग्रेस प्रभारी संजय पटेल जी, सांसद प्रतिनिधि हरीश शर्मा जी, पूर्व सांसद प्रतिनिधि ऋषि वैष्णव जी, ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंकित मंगरोले जी, कॉलेज सांसद प्रतिनिधि रिंकू कुशवाहा जी, नगर परिषद उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी जी और शासकीय महाविद्यालय चांद एनएसयूआई अध्यक्ष प्रवीण सोनी और पूर्व ब्लॉक एनएसयूआई अध्यक्ष सत्यम सोनी, छात्र महासभा उपाध्यक्ष केतन रघुवंशी, छात्र महासभा ब्लॉक अध्यक्ष अंकित पटेल, अनुपम रघुवंशी, छात्र महासभा जिला महासचिव दीपेश ठाकुर और टॉपिक मंसूरी आनंद शाहपुरिया, हर्षित सोनी, नमन कथुरिया, अंकित संडे, विनय साहू, विशाल चौरसिया, अजय पाल, गोपाल कुशवाहा और छात्राओं में प्रिया वर्मा, भक्ति साहू, प्रियंका वर्मा, दीपिका वर्मा, पूजा सोनी, आरती सोनी और समस्त छात्र छात्राएं और एनएसयूआई टीम और सभी ब्लॉक कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और युवा कांग्रेस कमेटी उपस्थित रहे। जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने एनएसयूआई छात्र नेता से बात की तो उनका क्या कहना था? ये ज्ञापन हमारा बहुत सारी समस्याओं को लेकर, जैसे कि सबसे पहले मेन रोड की समस्या, मेन रोड चांद से लेकर हमारे महाविद्यालय तक कच्ची रोड है और बहुत ज़्यादा आवागमन में समस्या हो रही है। इसको लेकर हमने पहले भी पहले ज्ञापन दिए हैं पर अभी तक शासन के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने फिर ज्ञापन दिए हैं इस विषय पर कि हम जल्द रोड बनाई जाए। ये रोड सेंक्शन भी हो चुकी है पर पता नहीं किस कारण रोड अभी तक नहीं बन पाई। दूसरी, हमारे कॉलेज में पेयजल की समस्या है, पानी पीने का नहीं मिल पाता छात्रों को। तीसरी समस्या हमारे यहाँ स्टाफ की है, स्टाफ भी पूरा नहीं है हमारे कॉलेज में। चौथी समस्या हमारी जो और मेन समस्या है कि एमए का भी घोषणा की गई थी, जब यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी आए थे उन्होंने घोषणा की थी एमए की भी, तो वो भी अब तक कॉलेज में चालू नहीं किया गया, इस बार चालू करने की बात। और हमने इस समय हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ लोग उपस्थित हैं, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रवीण सोनी जी हैं, सत्यम सोनी जी हैं, हमारे आदरणीय चाचा श्री ऋषि वैष्णव जी हैं और सभी हमारे नेतागण उपस्थित हैं। आज हम यहाँ तहसील ऑफिस में आए हैं, इसके बाद हम कुलपति को भी एक आवेदन देंगे और हम चाहते हैं कि वैसे इसमें कार्रवाई की जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।